रिएक्ट के तीसरे पार्ट में हम लोग हैं, जिसमें हम लोग अभी तक डिस्क्राइबिंग द यूआई वाले टॉपिक पे हैं। इसमें हम लोग के पास एक सब टॉपिक है कंडीशनल रेंडरिंग। तो बेसिकली इफ एल्स का इस्तेमाल करना है, आपको कंपोनेंट में कर सकते हैं क्या, ये चेक करना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यहाँ लिखा हुआ है योर कंपोनेंट विल ऑफन नीड टू डिस्प्ले डिफरेंट थिंग्स डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट कंडीशन। यानी कोई भी कंडीशन हम जो दे रहे हैं उसके हिसाब से आपका जो कंपोनेंट है वो अलग चीज़ दिखाए, जैसे कंडीशन चेंज करे फिर कुछ और दिखाए। इसी को हम लोग कहते हैं कंडीशनल रेंडरिंग। ये हम लोग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ एल्स की मदद से पढ़ते हैं। यहाँ पर जब हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में, तो उसमें नलिस कॉइसलिंग है, जावास्क्रिप्ट में टर्नरी ऑपरेटर है, एंड ट्रेलिंग है, और ट्रेलिंग है, ये सारी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे इफ एल्स के अलावा भी। तो वो सब भी यहाँ पे हम लोग आराम से कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? इन रिएक्ट यू कैन कंडीशनली रेंडर जेएसएक्स। रिएक्ट के अंदर में तुम कंडीशनली रेंडर कर सकते हो जेएसएक्स को यूजिंग जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स लाइक इफ और एंड का इस्तेमाल करके और टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करके। इसको इस सिंटैक्स को क्या बोलते हैं? टर्नरी ऑपरेटर, जिसमें तीन ऑपरेंड लगता है। इस जगह पर इस एग्जांपल में आप एंड दो बार एंड का इस्तेमाल करके हम लोग एक कंडीशन करते हैं। दो बार एंड का क्या केस है कि जब वो पहला वाला ट्रू वैल्यू ढूंढेगा और उसको प्रिंट कर देगा, जब नहीं मिलेगा तो आखिरी वाला प्रिंट करेगा। जावास्क्रिप्ट में हम लोग ये पढ़ा कि दो बार एंड का जो साइन है वो तब तक चलता रहेगा जब तक उसको ट्रू ना मिले। अगर उसको ट्रू नहीं मिलता है तो आखिरी वाला को प्रिंट कर देगा। इसी को हम लोग यहाँ पर यूज़ करके देखेंगे और समझेंगे क्या होने वाला है। तो मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ, पुराने कंपोनेंट जितने भी हैं सबको डिलीट कर देता हूँ। प्रोफाइल और गैलरी जो दो कंपोनेंट था वो हटा दिया, और यहाँ जो गैलरी कंपोनेंट है इसको अभी हटा देते हैं। बेसिकली हम एक कंपोनेंट बनाते हैं यहाँ पर, इसका नाम रखते हैं टू डू लिस्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टू डू लिस्ट डॉट जे एस, ठीक है, नाम में स्पेस नहीं देना है, डैश दे सकते हैं, कैपिटल स्मॉल कर सकते हैं, बट अच्छा ये रहेगा कि आप डैश दीजिए, कैपिटल स्मॉल मत कीजिए। अब आप इसमें आर ए एफ सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जानते हैं ये जो इंपोर्ट लाइन है रिएक्ट वाला, ये नेक्स्ट में ज़रूरत नहीं है इसलिए आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। ये तीनों जगह पे नाम को ऐसे डैश लगा के नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये आइडेंटिफायर है, जावास्क्रिप्ट में जो आइडेंटिफायर का रूल है वो फॉलो करना है। लेकिन यहाँ पे चूंकि आप कंपोनेंट बना रहे हैं तो आपको पहला कैपिटल देके फॉलो करना है। तो पहला कैपिटल लिखा टू डू लिस्ट, ठीक है। अब आपका ये टू डू लिस्ट का यहाँ पे कंटेंट तैयार हो गया, इसको आप पेस्ट डॉट जे एस में फाइनल बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं टू डू लिस्ट, और आप इन्हें इंपोर्ट करें। ऊपर जो गैलरी आ रहा है उसको हटा दीजिए क्योंकि वो है ही नहीं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको लाइव मैंने रन नहीं किया, npm run dev, और इसके बाद आपके सामने वो IP एड्रेस पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, वो होने दीजिए, तब तक मैं यहाँ पर देख लेता हूँ क्या हुआ हुआ है। तो यहाँ पे एक आइटम नाम का कंपोनेंट बनाया गया जिसमें दो प्रॉप्स पास है, एक का नाम है नेम और दूसरा का नाम है इज पैकेज। इज पैकेज जो है वो बूलियन एक्सप्रेशन है, यानी ट्रू और फॉल्स पास करेगा। तो अगर वो ट्रू होता है, नाम तो दिखा दिया कर्ली ब्रैकेट में, इज पैकेज अगर वो ट्रू होता है, अगर ये ट्रू होता है तो ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, जैसे ये ट्रू होगा ये प्रिंट कर देगा। बड़ा आसानी से ये काम कर सकते हैं। इसके नीचे भी देखेंगे तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके एक और कंपोनेंट बनाया हुआ है जिसका नाम है पैकिंग लिस्ट, और उसके बाद एक सेक्शन टैग का इस्तेमाल किया गया एचटीएमएल वाला, और H1 टैग में ये लिस्ट का टाइटल दिया गया, UL डाला गया, और LI में ये आइटम्स को प्रिंट किया गया है। एक्चुअल में ये जो टैग है ये LI में प्रिंट हो रहा है, इसीलिए ये LI रिपीट कर रहे हैं। जहाँ फॉल्स देंगे वहाँ टिक नहीं आएगा, और जहाँ ट्रू देंगे उसमें देखो टिक आ रहा है। ये कंडीशनल रेंडरिंग हो गया। तो ज़रा इसको सेम चीज़ को हम लोग भी करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे इसका नाम टू डू लिस्ट रखा है, ठीक है, टू डू लिस्ट ये वाला है, और इस टू डू लिस्ट के अंदर में हम लोग बनाते हैं एक छोटा सा सेक्शन। देखिए कैसे बनाते हैं, इसके अंदर में H1 टैग इस्तेमाल करते हैं और लिखते हैं माई टू डू लिस्ट, और उसके जस्ट नीचे मैं UL टैग का इस्तेमाल करता हूँ जो HTML में पाया जाता है, और LI की जगह पे मैं आइटम पास करूँगा जो बेसिकली डिज़ाइन करेंगे। तो आइटम बनाने के लिए हम इसी में कंपोनेंट बना लेते हैं नया एक्सपोर्ट, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आइटम नाम से, और यहाँ पे दो चीज़ें पास करते हैं, एक नाम और इज कम्प्लीटेड। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल को चेंज कर रहा हूँ, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये एरो का फंक्शन छूट गया क्योंकि ये एरो फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, कंपोनेंट का नाम क्या बना? आइटम, उसके अंदर पैरामीटर में प्रॉप्स पास हुआ है दो, एक नेम और दूसरा, इसको मैं LI में रेंडर करता हूँ, UL के अंदर डालना इसलिए LI में रेंडर कर रहे हैं, और यहाँ पे जो नाम दिखाना है तो बस कर्ली ब्रैकेट नेम, और इसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट में, और यहाँ कंडीशनल रेंडरिंग का मतलब समझ में आएगा आपको।
इज कम्प्लीटेड, अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पर बगल में डन दिखाओ छोटी ब्रैकेट में। तो ये मैसेज तभी प्रिंट होगा जब ये ट्रू होगा, है ना, ये मैसेज तभी प्रिंट होगा जब उसका ये ट्रू होगा। तो बेसिकली ये एल आई है और इसको यहाँ पर यूएल के पास एज ए कॉम्पोनेंट बुलाएंगे, यानी ऐसे, और बुलाने के बाद हम यूज़ करेंगे यहाँ पर दो प्रॉप्स, यानी नेम, जिसमें हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, एक मिनट। तो बेसिकली हम लोग यहाँ कंडीशनल रेंडरिंग में नेम पास कर देते हैं। अब नेम में क्या होता है, टास्क क्या हो सकता है कि कॉल छोड़ो बाय अ मिल्क, दूध खरीदना है, एक टास्क हो गया, नाम हो गया टास्क का। अब उसमें या ये कंप्लीटेड है, अगर नहीं है तो फॉल्स, और होगा तो ट्रू। तो मैं इसको एज ए कॉम्पोनेंट ट्रीट कर रहा हूँ, हो गया ये सेल्फ क्लोजिंग। अब ऐसे करके दो तीन बनाता हूँ, ठीक है। एक और टास्क लिख देते हैं, फाइबर रिचार्ज, फाइबर का रिचार्ज करना है, ठीक है। उसके बाद आस्क मनी टू श्याम, श्याम को से पैसा मांगना है, ऐसे कोई टास्क है, और कोई टास्क है, ठीक है ना, कि मुझे किसी दोस्त से झगड़ा करना है, ऐसा करके कुछ भी, ठीक है ना। टेक पिल्स, मेडिसिंस लेने हैं, तो ये मैंने ले लिया है तो ये ट्रू हो गया, और मैंने फाइबर का रिचार्ज कर दिया है तो वो ट्रू हो गया, बाकी सब फॉल्स है। तो मैंने दो ट्रू दो फॉल्स रखा है। कंडीशनल रेंडरिंग का मतलब ये होता है कि जो हम कंडीशन दे रहे हैं उसके हिसाब से अलग अलग चीज़ें हैं। मैं जब आउटपुट देखूंगा इसका तो मुझे ये देखो क्या दिख रहा है, दो के सामने डन दिख रहा है, अब बाकी के सामने डन नहीं दिख रहा है। मैं दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, डिज़ाइन अच्छा कर लेते हैं, तो चलिए थोड़ा सा टाइम देकर इसको डिज़ाइन को और अच्छा किया सकता है। कैसे देंगे, सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है ये मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, इससे मेरा वो जो प्रॉब्लम है हाइट वो स्ट्रिपिंग हो रहा है वो नहीं आएगा। अब मुझे इसको बीच में लाना है, तो मुझे यहाँ पर पेज के अंदर में टू डू टास्क को बीच में लाने के लिए मुझे एक डिवीजन चाहिए, क्लास नेम फ्लिक्स, फ्लिक्स डैश वन, बाकी आप टेलविन के ऊपर महारत हासिल रखते हैं। इसके बाद डिव क्लास नेम डब्ल्यू डैश 4x12, मान लीजिए आप ये विथ देना चाहते हैं, और इसके अंदर ये डाल दीजिए, तो इससे क्या होगा एक विथ मिल जाएगा आपको। बीच में चाहते हैं तो आपको पता है क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है जस्टिफाई सेंटर, और आइटम सेंटर, आइटम सेंटर का मतलब होता है अलाइनली आप सेंटर करना चाहते हैं, बट इसका हाइट डिफाइन नहीं है तो एच डैश स्क्रीन कर देंगे, यानी स्क्रीन पूरा जो दिख रहा है उसके हिसाब से ये बीच में आ गया। अब इसके बाद मैं टू डू टास्क को जो जहाँ डालने वाला हूँ उसका थोड़ा बॉर्डर वॉर्डर कर देता हूँ, तो ये बॉर्डर डाला, ये थोड़ा पैडिंग डाला, ठीक है, और ये थोड़ा शेडो डाल दिया, थोड़ा थोड़ा सब डाल देते हैं। देखो बॉर्डर का कलर थोड़ा सा और डार्की कर दिया तो ये आ गया, थोड़ा सा राउंडेड इसका बढ़ा दिया तो थोड़ा सर्कुलेट हो गया, ठीक है। और ये जो बीच में हेडिंग है इसको थोड़ा और अच्छा करना है, तो मैं इसके अंदर आता हूँ कंपोनेंट जहाँ पे ये बना हुआ है, और क्लास नेम लगाकर मैंने लिखा टेक्स्ट डैश 2XL या 3XL या 4XL, देखने में अच्छा लगे इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो का लेंथ बढ़ा रहा हूँ। तो बेसिकली आप ऐसा कर सकते हैं, और ये क्लास नेम लगाकर आप यहाँ लिख सकते हैं फ्लिक्स, और फ्लिक्स डैश कॉल, और थोड़ा सा गैप जो आप देना चाहते हैं, ठीक है। इसके नीचे बॉर्डर दिखे ये आप कर सकते हैं, बॉर्डर डैश बी मतलब बॉटम, तो एक छोटा सा स्ट्रिप नीचे आएगा, पैडिंग लगाकर थोड़ा इसको गैप दे सकते हैं, पैडिंग बॉटम थोड़ा अलग हो जाएगा, देखने में थोड़ा अलग लगेगा। और ये है आपका यूएल टैग्स जिसको आप यहाँ पे दे सकते हैं, लिस्ट, देखिए लिस्ट आउटसाइड इनसाइड डिस्ट डिसेमल सब दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 आएगा, आया, और लिस्ट डैश आउटसाइड कंडीशन इनसाइड भी लगा के देखते हैं, इनसाइड थोड़ा पैडिंग की ज़रूरत होगी, देखिए अंदर आ गया इनसाइड, और ये लिस्ट आ गया, जिसमें डन दिख रहा है उसकी जगह पे मुझे टिक का निशान दिखाना है। तो मैं मेरे जो प्रोग्राम बता रहा हूँ जहाँ से वहाँ पे भी टिक का निशान एज ए कैरेक्टर है, मैं कॉपी कर सकता हूँ उसको, तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ इंस्टेंट ऑफ, देखो आइटम में जहाँ डन लिखा हुआ उसकी जगह पे मैं ये टिक का निशान देना चाहता हूँ, और ये आप नोटिस करेंगे कि ये टिक का निशान अब दिख रहा है। कंडीशनल रेंडरिंग, उसका कलर चेंज करना है जो करना है वो आपके ऊपर है, आप उसको कलर चेंज करना चाहते हैं प्लीज़ इसके आगे पीछे स्पैन टैग लगाइए, यानी इसको स्पैन में घेर लीजिए, और इसका क्लास नेम लगाकर पूरा जावास्क्रिप्ट पूरा एचटीएमएल जा सकता है, आपको डबल कोट्स की ज़रूरत भी नहीं है, आप पूरा का पूरा जीएसएक्स पास कर सकते हैं, पूरा स्ट्रिंग है,
तो आप आराम से लिखिए पूरा, कोई दिक्कत नहीं। कंडीशनल एंडिंग में JSX भी अनेबल है। टेक्स्ट डैश ग्रीन डैश 700। ओ ये तो बवंडर है, ऐसा ना करें। ये देखिए ग्रीन कलर का। तो ये कंडीशनल रेंडरिंग है जो पॉसिबल कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम लोग और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कटा हुआ निशान आ जाए इसके ऊपर, ऐसे स्ट्रेट स्ट्रो हो, वो भी कर सकते हैं। देखो मैं इसमें दो चीज़ें कर सकता हूँ यहाँ पे आराम से। देखो दिखाता हूँ मैं आपको LI के टैग के अंदर। मैं थोड़ा सा इसमें और कंडीशन डालता हूँ जो एग्जाम्पल में डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है, वो भी ऐड करता हूँ। तो ये इज़ कम्प्लीट होने पर ये स्पैन ऐसे दिखेगा, बट उसके कलर भी ऐसे दिखेंगे और उसमें टेक्स्ट भी यहाँ पे दिखेगा, मतलब वो भी हरा रंग का दिखेगा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। जिसका डन रहेगा उसके उसके बीच में ना स्ट्रिक्ट लाइन होगा, यानी TRI के स्ट्रिक्ट थ्रो होगा बेसिकली। या तुम जानते हो एक टैग के बारे में, डेल टैग के बारे में, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो कटा हुआ निशान के लिए काम करेगा। ठीक है, और जो रेस्ट पार्ट होगा उसके लिए भी हम कंडीशन लगा सकते हैं। ये यहाँ पे ऐसे दो बार कर सकते हैं, नॉट कंप्लीटेड, देन डिलीट नहीं होगा, कलर जो है उसका स्लेटी होगा, और डिलीट टैग को हटा दो, और ये जो मैंने यहाँ लगाया है ये हटा दो। हाँ वो पेंडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो नहीं कटा हुआ है वो पेंडिंग है। ये देखिए, इंसान एक एक्सपेक्टेशंस रखेगा कि हाँ ये जो ऐसे लाइन खिंचा हुआ है उसका मतलब डन हो गया है, जो नहीं है बाकी सब रेस्ट आप देख रहे हैं। तो ये कंडीशनल रेंडरिंग से ये सब पॉसिबल है। एक ही कंपोनेंट दो तरह से रिएक्ट कर रहा है, एक ट्रू होने पर अलग रिएक्ट कर रहा है, फॉल्स होने पर अलग रिएक्ट कर रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये कॉपी पेस्ट हो रहा है, ज़्यादा हो गया है, तो प्लीज़ आप इसको भी कंडीशन से बहुत अच्छा आसानी से कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे करने की जगह पर मैं टर्नरी यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। देखिएगा ध्यान से, देखिए मैंने स्पैन लगाया, क्लास नेम, और सॉरी मैं इसको टर्नरी से डायरेक्ट यहीं से कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर टर्नरी के लिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, और ये जगह को मैंने कॉलन दे दिया, और ये यहाँ से कंडीशन हटा दिया। तो ये थोड़ा सा चेंज किया और ये बन गया टर्नरी ऑपरेटर वाला। तो एंटर मार मार के हम इसको अच्छे से डिज़ाइन दिखा सकते हैं, कि देख सकते हैं आप कि हाँ ये मैंने किया। देखिए, इफ़ कंडीशन इज ट्रू देन इट्स विल वर्क, इफ़ फॉल्स दैट दिस विल वर्क, अ टर्नरी बिकम सेम थिंग। तो मैं जो काम दो बार एंड के निशान से साइन से कर रहा था, वो सेम चीज़ यहाँ से कर सकता हूँ, ये पॉसिबल है। ठीक है, वो मैंने एक डिप में डाला था इसलिए काम कर रहा है, चेकआउट करो। ठीक है, तो जब हाँ एक नोड बस पास होना चाहिए, दो नोड नहीं होना चाहिए, बस यही रूल है। रिएक्ट फ्रेगमेंटेशन को एक नोड कर सकता है, डिप भी एक फ्रेगमेंट कर सकता है, बट एक्स्ट्रा अगर आपको डिप लगाना पड़े तो वहाँ रिएक्ट फ्रेगमेंटेशन लगाइए, तब डिप को मत लगाइए। लेकिन यहाँ डिप एज ए कंटेनर है तो यहाँ ठीक से काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कंडीशनल रेंडरिंग को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये एग्जांपल दिखा दिया, ये एग्जांपल एज इट इज़ है। मैं नीचे आता हूँ, रेंडरिंग लिस्ट के बारे में समझता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। अगर आप किसी लिस्ट को, यानी किसी एरे को, किसी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, किसी नॉर्मल कलेक्शंस को अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो लिखा हुआ यहाँ पे, यू ऑफन वांट टू डिस्प्ले मल्टीपल सिमिलर कंपोनेंट्स फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा मींस ऑब्जेक्ट और एरे और मैप और सेट। ठीक है, तो ये जो डेटा टाइप्स है जिसमें एक से ज़्यादा डेटा रहता है, उसको अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं, कहाँ, रिएक्ट में। जावास्क्रिप्ट में तो 100 तरीके हैं, लेकिन रिएक्ट बोलता है कि यही तरीका यूज़ करो जो हम बता रहे हैं। उसके पीछे की वजह है, साइंटिफिक वजह है, मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा। यू कैन यूज़ फिल्टर, आप यहाँ पे फिल्टर वाला मेथड का यूज़ कर सकते हैं, एरे डॉट फिल्टर और एंड मैप डॉट मैप का, फोर ईच भी होता है वहाँ पे, नहीं यूज़ करना है यहाँ। यहाँ पे आपको यूज़ करना है या तो फिल्टर या तो मैप। मैप इसलिए ताकि पूरा चलाए, और फिल्टर इसलिए ताकि उसमें से कोई अलग कर सके, कोई एक चीज़ को फिल्टर कर सके एक कंडीशन के हिसाब से। विद रिएक्ट टू फिल्टर एंड ट्रांसफॉर्म योर एरे टू डेटा इनटू द एरे ऑफ कंपोनेंट्स, यानी इसकी मदद से आप एरे का कंपोनेंट बना सकते हैं, इसकी मदद से आप मल्टीपल एरे बना सकते हैं। देखो, फॉर ईच एरे आइटम यू नीड टू स्पेसिफाई अ की, हर एक आइटम को जो रेंडर करोगे इसके लिए एक की डिफाइन करना ज़रूरी है, जो यूजुअली कोई आईडी हो सकता है या यूनिक डेटा हो सकता है। क्या लिखा हुआ है, यूजुअली यू वांट टू यूज़ एन आईडी फ्रॉम द डेटाबेस एज अ की, बट तुम्हारा इंडेक्स नंबर भी एज अ की रिट्रीट होगा, क्योंकि वो भी यूनिक होता है। आगे क्या लिखा हुआ है, की लेट रिएक्ट कीप ट्रैक ऑफ ईच आइटम प्लेस इन द लिस्ट इवन इफ द लिस्ट इज चेंज। वो लिस्ट चेंज होने के बाद भी आपको अच्छे से
ये बता देगा कि हाँ ये इसके बाद कौन होगा, इसके बाद कौन होगा, यानी इसको इंडेक्सिंग में मदद मिल जाता है। क्या ये सब समझने से तो कुछ हुआ नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे काम करता है। तो ये यहाँ पर डुप्लीकेट कर रहे हैं हम लोग ये चीज़। यहाँ पर अब हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। क्या नया करने वाले, देखो मैं एक अलग सेपरेट फाइल बनाता हूँ कॉम्पोनेंट के अंदर, ठीक है, नाम रखता हूँ डाटा डॉट जे एस। जे एस एक्स भी लिख सकता था लेकिन इसमें एक्स जे एस एक्स है नहीं तो मैं लिखूँगा नहीं। यहाँ पर मैं एक एरे बनाता हूँ, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर टास्क लिस्ट, और इस एरे का नाम टास्क लिस्ट रख दिया, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट डाल रहा हूँ। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आपने पढ़ा है, नेम और बाया मिल्क, ठीक है, और उसमें इज कम्प्लीटेड, दूसरा कम्प्लीटेड ट्रू, कॉमा दूसरा डेटा, नेम बाया ब्रेड फॉल्स तीसरा डेटा, कर्ली ब्रैकेट, और नेम सब बार एक ही चीज़ थोड़ी होगा, रिचार्ज मैं वही डेटा यूज़ कर, रिचार्ज फाइबर मुझे हिंट के लिए बस चाहिए, इस कम्प्लीटेड ट्रू, ठीक है। ऐसे मैं यहाँ पर डेटा जितना चाहूँ बना सकता हूँ। तो ये क्या हुआ, ये जावास्क्रिप्ट में इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट का एरे, यानी एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है इसलिए एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी को हम लोग जेएसओन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट कर देना, एक्सपोर्ट यू कैन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट ऐसे दोनों कर सकते हो, जस्ट एक्सपोर्ट करना है तो ऊपर लिख देना, डिफॉल्ट करना तब नीचे लिखना। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टास्क लिस्ट यहाँ से निकल गया, मेरे पास यहाँ पे आया। मैं यहाँ पर इतना सारा एक कॉपी पेस्ट नहीं करने वाला, मैं मिटा दे रहा हूँ उसको। मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट लगाया, मैंने कल बताया कि जावास्क्रिप्ट अगर जेएसएक्स में करना तो कर्ली ब्रैकेट शुरू करना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट लगाया मैंने। अब मैं उस वेरिएबल को बुलाऊंगा जो लिस्ट है, उसका नाम है टास्क लिस्ट, इंपोर्ट हो रहा है कहाँ से देख लो, डॉट डाटा, डाटा फोल्डर से डॉट ऊपर जाके देख लो, एक बार कंफर्म कर लो क्या इंपोर्ट हुआ, हो गया, क्योंकि कई बार होगा कि नहीं हुआ और आप सोचते रहेंगे कि एरर काहे आ रहा है, तो आप एक बार देख लीजिए, ठीक है ना, कि कम से कम मेरा डेटा है या नहीं है। मैं लूप चलाऊंगा इसलिए मैं यहाँ पे मैप मेथड का इस्तेमाल करूँगा। मैप मेथड मैंने जावास्क्रिप्ट में आपको पढ़ाया है। अब मैप मेथड के अंदर में दो पैरामीटर्स होते हैं, एक आइटम होता है और दूसरा जो होता है वो इंडेक्स होता है। आइटम एक एक करके वो डेटा होता है जो लूप के पास ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है अभी बेसिकली, और यहाँ पर अगर हमको एरो फंक्शन में कर्ली ब्रैकेट डाला तो रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ेगा, और अगर छोटी ब्रैकेट डाला तो रिटर्न नहीं लिखना पड़ेगा। मैंने वहाँ पढ़ा था फैटी एरो फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड होता है, और अगर फैटी एरो फंक्शन नहीं है तो छोटी ब्रैकेट में ही रिटर्न हो जाता है, ठीक है। इसको दो नाम से बुलाते हैं, छोटी ब्रैकेट वाले को हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट रिटर्न, और कर्ली ब्रैकेट में जब रिटर्न कीवर्ड लगाना पड़े तो एक्सप्लिसिट रिटर्न। ज़्यादा नहीं समझना है, कोई बात नहीं है, छोटी ब्रैकेट लगाइए क्योंकि हमको सब रिटर्न चाहिए। तो हम छोटी ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे उस कंपोनेंट को बुला लिया जो हमको कॉल करना आइटम। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, वो है की, जिसका मैं बात हो रहा था। की के अंदर में आपको वो वेरिएबल डालना है जो यूनिक है। तो क्या ये इंडेक्स पैरामीटर जो आया वो यूनिक होगा? होगा। इसके बाद मुझे वो देना है जो मैंने बनाया है, नेम। अब मुझे नेम की जगह पे क्या चाहिए? तो आइटम डॉट नेम, आइटम मतलब मेरा ऑब्जेक्ट जिसमें बहुत सारा है, और उसमें से उसका नाम निकाल लो। और इसके बाद इज कम्प्लीटेड में मुझे क्या चाहिए? तो आइटम डॉट इज कम्प्लीटेड। ये दोनों किसको एक्सेस कर रहा है? ये दोनों एक्चुअल में इस लिस्ट को एक्सेस कर रहा है जो यहाँ से बना है। एक मिनट रुको, यहाँ पे थोड़ी सी एरर है। ओह अच्छा, ये सेल्फ क्लोजिंग नहीं हुआ और कोई एरर नहीं है। तो ये मेरा एक लाइन में देखो पूरा काम हो गया, एक लाइन में लूप चल रहा है। और ये लूप कितनी बार चलेगा? जितनी बार टास्क लिस्ट होगा। टास्क लिस्ट कितनी बार है? तीन बार है। और सब का डेटा यहाँ से वहीं उठाए, यहाँ पे वहाँ हर बार जो लूप चल रहा है, एक कर्ली ब्रैकेट एक आइटम वेरिएबल है जो उसके अंदर है। आइटम डॉट नेम से ये वाला एक्सेस हो रहा है, आइटम डॉट इज कम्प्लीटेड से ये वाला एक्सेस हो रहा है। आउटपुट देखिएगा तो सेम नज़र आएगा आपको, कोई परिवर्तन नहीं है। अब ये वो डेटा है जो मैंने लिस्ट में डाला है, यानी कि अगर मैं कल को लिस्ट में एक डेटा बढ़ाऊँ, सिर्फ एक डेटा बढ़ाऊँ, तो वो डेटा अपने आप लूप चल लेगा और बढ़ जाएगा। दिखाता हूँ, देखिए आस्क मनी, ठीक है, नाम छोड़ देते, इज कम्प्लीटेड, जितना उधार है सब याद कर लूँगा। आस्क मनी अपने आप चौथे नंबर पे है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेटा है वो मेरा लूप से चल रहा है। अब यानी मैं बार बार कॉपी पेस्ट करके ऑब्जेक्ट को रेंडर नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा लूप चला दे रहा हूँ एज़ पर माई डेटा। अब वो डेटा वेरिएबल जो मैंने यहाँ बनाया है, अगर ये डेटाबेस से आ रहा होता तो
सब डेटा ले लेता। अगर ये कहीं और से आ रहा होता सारा रेंडर हो जाता, इसलिए इस टॉपिक का नाम है रेंडरिंग लिस्ट। ठीक है, वापस आते हैं। देखिए यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे इसने किया है ऐप डॉट जे एस नाम का फाइल जिसमें ये लिस्ट वाला बनाया है। इसमें हर लिस्ट में इसने इमेज डाला है, पैराग्राफ डाला है और ये सब कुछ को किस में चलाया, देखो मैप में लूप के तौर पे सब कुछ को किस में चलाया, लूप के तौर पे। और डाटा नाम का एक पूरा का पूरा वैसे तैयार किया जैसे मैंने टास्क लिस्ट तैयार किया है। और इसके यूटिलिटीज़ ये बेसिकली फंक्शन को निकालने के लिए होता है, इसका का काम नहीं है इमेज के लिए। तो बेसिकली ये डाटा उसने भी बनाया, मैंने भी बनाया, और मैंने भी लूप चलाया, इसने भी चलाया, और इसका आउटपुट कुछ अलग तरीके का क्योंकि इसका डेटा जो है वह ऐसा अलग। ठीक है, तो ये मोटे मोटे तौर पे काम हो जाता है कंप्लीट। आगे देखो की प्योर योर कंपोनेंट, कैसे कंपोनेंट को प्योर रखा जाए। सम जावास्क्रिप्ट फंक्शन आर प्योर, कुछ जावास्क्रिप्ट के फंक्शन प्योर होते हैं। ए प्योर फंक्शन माइंड इट्स ओन बिजनेस, क्या मतलब इसका, अपना काम संभालो। इट्स डज नॉट चेंज एनी ऑब्जेक्ट और वेरिएबल दैट एग्जिस्ट बिफोर इट्स कॉल्ड, ऐसे कोई फंक्शन जो किसी दूसरे को कोई चेंज नहीं करते, वो एक इम्पॉर्टेंट होता है प्योर रखने के लिए। दूसरा होता है सेम इनपुट एंड सेम आउटपुट, जो इनपुट दिया जाए वही आउटपुट आना चाहिए। बीच में देखो यहाँ पे इसके कई एग्जांपल्स हैं, मैं इसको थोड़ा सा कल डिफाइन करूँगा क्योंकि इसके ऊपर जो है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आएगा आपको, तो मैं नहीं चाहता कि एक वीडियो में आपको आसानी भी लगे और दूसरे में सेम कॉम्प्लिकेशन आ जाए, तो मैं इसको दूसरे वीडियो में बता दूंगा। इतना बहुत बड़ा बात नहीं, लेकिन कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसका जावास्क्रिप्ट से रिएक्ट में थोड़ा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया एरे डॉट फॉर ईच नहीं लगाना, आपको एरे डॉट मैप लगाना और फिल्टर लगाना। इसकी वजह बताता हूँ आपको, सुनिए। फिल्टर और मैप ये दो ऐसे मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं सेम एरे में बदलाव लाने के लिए। ठीक है, बाद में बाकी चीज़ें करेंगे, देखते हैं। चलिए यहाँ पे इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।